नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल शुद्धालय में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल है और आज इस वीडियो में हम आम जनता से बात करने वाले हैं, छात्र छात्राओं से बात करने वाले हैं कि क्या उनकी समस्याएँ हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी में मस्त हैं या त्रस्त हैं। तो चलिए एक एक करके सभी छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्याएँ। हमारी समस्या ये है कि हम फर्स्ट ईयर से और फिफ्थ सेम तक पहुँच गए हैं और अभी शिवपुर में बस नहीं लगी हुई है और 20-30 रुपये हम किराया दे के आते हैं और अभी तक ऐसा है कि मतलब जिसके पास नहीं होगा वो तो कहाँ से देगा। तो हमारी समस्या ये है कि हमारे लिए शिवपुर तक बस लगाई जाए। बस यूनिवर्सिटी द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी की जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम तो बस ही की है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। आजकल रिसेंटली जो बस क्रॉस मतलब ऊपर जा रही थी, अब तो वो भी नहीं जा रही है, पुल से ही लौट जा रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे क्लास वाले भी हैं, आज जाना था पर उनको बस अवेलेबल नहीं हो पाई, क्योंकि 10 बजे के बाद तो खास करके बस का कोई जाने का टाइमिंग नहीं है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई और अभी तो फिलहाल यही है। और हमारी मांग ये है कि पहले तो स्मार्ट क्लासेस चलनी चाहिए और जो बाथरूम में जो ये गंदगी फैला रखी है उसे साफ सफाई का माहौल चाहिए, तभी बच्चा पढ़ेगा। यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए आता है, इतना ही की गंदगी देखने के लिए। तो हमारी मांग ये है पहले साफ सफाई और स्मार्ट क्लासेस, और सभी क्लास टाइम टू टाइम चलें। कभी पता नहीं चल रहा कभी माइक्रो की कब चल रही है, कोई ग्रुप में ऐड नहीं है, तो ये हमारी मांग है। धन्यवाद। First is we face the toilet issues because we as girls don't have proper toilets here. The only one toilet which is clean and with water facilities near the library. Rest if you are in the department and all side. And the second issue is we don't have enough updated books in the library. And rest okay. And specifically speaking, our department is not in the university level. Master of Social Work, and we prefer it would be like a little bit upgraded. यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम लगी है कि यहाँ की सफाई बहुत, यहाँ सफाई नहीं होती, यहाँ क्लासेस मतलब होती है पर कभी कभार टीचर आते हैं कभी कभार नहीं आते, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत होता है। अब बस मेन चीज़ यहाँ है कि यहाँ सफाई बहुत होती है, मतलब होती ही नहीं है सफाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में हर वर्ष के बाद इस बार शासन चुनाव, चुनाव के दौरान जो यूनिवर्सिटी का माहौल होता है उसमें छात्र छात्राओं की अपेक्षा होती है कि उनके जो बेसिक होते हैं उन पर राजनीति हो, जिसके लिए हम लोग भी 2018 से के चुनाव का दौर देखते हुए आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आज भी आप जो कैंपस का माहौल है, शैक्षणिक माहौल, उसकी हत्या की जा रही है। छात्र छात्राओं के लिए जो पढ़ने के लिए क्लासरूम है वो बर्बाद हो गए हैं। छात्र छात्राओं के बीच एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें हो हुड़दंग की राजनीति हो, भीड़ जुटाई जाए, लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे कैरियर काउंसलिंग की बात हो, चाहे छात्र छात्राओं के क्लासरूम की बात हो, चाहे गर्ल्स कॉमन रूम की बात हो, चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे कैंटीन की बात हो, बस की बात हो, इन मुद्दों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है एक भीड़ के माध्यम से। और वो भीड़ गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक गुंडागर्दी के माध्यम से की जाती है, वो एक बड़ा विश्वविद्यालय के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। सेकेंड ईयर में हूँ मैं, पर एक साल से देख रही हूँ बिल्कुल साफ नहीं है, मतलब खराब रहते हैं, बहुत ही पानी पानी हर जगह पे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राम राम, मैं चंदी का छात्र हूँ एमपीएड का, और जैसे कि देख रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी लाल फर्स्ट ईयर में आया हूँ और मैंने देखा आज ही सवेरे से भी यहाँ पर पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा पीने का। क्लास करके आते हैं पानी मिलता नहीं है पीने का, फिर बाहर जाना पड़ता है, बाहर से बोतल खरीदनी पड़ती है। दूसरी चीज़ जैसा कि हमारा आधा जो एकेडमिक बिल्डिंग है वो हमारे यहाँ है और खेलने का मैदान जो हमारा चौरासी में है, तो जब वहाँ जाते हैं तो बस की सुविधा देखी है मैंने, सुबह मतलब दोपहर को मिल जाती है, 3 बजे जाना पड़ता है, 3 बजे से बस आती है, 4:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, बस वहाँ से चलती है। उसके बाद शाम को जब हम लेट हो जाते हैं 6 बजे 6:30 बजे जाते हैं, तो वहाँ से हमें बस नहीं मिलती है वापसी आने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम छोटा है, यदि 50 बच्चे एक साथ चले जाएँ तो मतलब ऐसा है कि हमें इंतजार करना पड़ता है पढ़ने के लिए भी यहाँ पर रीडिंग रूम में। प्लस जो लाइब्रेरी है, चौरास की जो लाइब्रेरी है, वहाँ का जो रीडिंग रूम है उसकी हालत ऐसी है कि शायद आदमी 2-4 मिनट तो बैठ नहीं पाए वहाँ पर। अब फिलहाल जहाँ पे तो हम खड़े हैं फिलहाल, अब यहाँ पे तुम आपको स्मेल आ रही होगी यूरिन की,
कितनी गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ पर कोई खड़ा हो सकता है दो चार मिनट। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको रिलेटेड है, पर अभी तक किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं। हालांकि एवीपी ना ये दो एक पार्टी आई थी, इन्होंने बोला था कि हम करेंगे ऐसा, तो मेरे हिसाब से तो कार्य पहले होनी चाहिए, वोट हम बाद में डालने। अब जो फिलहाल भी हैं, जो अभी सरकार चल रही है, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, तो अब सब पानी के पानी में उस दिन परसों क्या कीड़े घूम रहे थे बहुत बड़े बड़े, हमारी बॉटल तक में कीड़ा आया। अब पहले अगर ये साफ होता है यहाँ पे जो है ऊपर जो पानी बहुत गर्म पानी आता है, दूसरा यहाँ इस साइड में चले जाओ तो वहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा, अगर हम पास जाते हैं ना वहाँ से तो वहाँ पे बहुत कूड़ा होता है। अब प्लस यहाँ पे चुनाव के टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब बहुत धक्का मुक्की होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू होने का। बाकी अब अकेडमिक के बारे में बात करूँ तो मैं आया था पिछली बार जो ड्राइंग की क्लास हुई थी ना, सिर्फ 3 हुई थी एडिशनल वालों की, और मतलब अपनी मर्जी से हुई, ना कोई टाइम टेबल था ना कोई शेड्यूल था, जब जब टीचरों का मन कर रहा था तब वो क्लास ले रहे थे। सिर्फ एक इंग्लिश की क्लास थी जो हमारी मतलब टाइम पे चली थी 12:30 और रेगुलर चली थी, उसमें मैम ने पढ़ाया था। बाकी क्लासेस हमारी कुछ ऑनलाइन हुई, कुछ हुई नहीं, और जो ड्राइंग की थी वो केवल 3 हुई। ये सारी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे जो छात्रों की आम समस्या है, हम देखते हैं यहाँ पे जो वॉशरूम है, यहाँ के वॉशरूम में गंदे होते हैं, जो कि हम कई वाहन देख सकते हैं, पास हमने ज्ञापन भी दिया उनको, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सफाई करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी गंदगी वहाँ काफ़ी देखने को मिलती है। हम क्लास आज कल क्लासरूम में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्लासरूम में भी मतलब वहाँ कूड़ा कमाना रहता है, तो हमने उनसे भी ये मांग की थी कि वहाँ साफ़ सफाई का तो विशेष तौर पर ध्यान देना। आजकल हम देख रहे हैं डेंगू और मलेरिया जैसे कि फैल रहा है, आपको पता ही है, तो इसमें भी अब इस बीच हम हॉस्टल में भी गए थे, तो वहाँ देखते थे कि हम वहाँ भी मतलब झाड़ियाँ होती हैं, काफ़ी झाड़ियाँ हैं वहाँ की, हमने डी एस झाड़ी जोड़ी साफ़ कराई जाए, और जो मच्छर है वहाँ पर एक बार दवाई का छिड़काव हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा।